सो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम आप लोगों के लिए एक और नोट लेके, तो गाइस आज आप लोगों को एक आईटी प्लेयर की औकात मालूम करने वाले अभी आज अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो आईटी प्लेयर गाइस जो रहता है ना, वो पहले क्या करता है आप लोग बता देता हूँ मैं। पहले वो फेयर गेम प्ले खेलता है, बाद में जो जब उसकी कॉइन फंसती है ना, तो भाई भाई क्या करता है, आईटी प्ले हैक एक्टिव कर लेता है भाई। तो गाइस आप मानो या ना मानो, भाई बंदा तो वैसे ही करता है। तो आप लोग वीडियो में रुक के खुद ही देख लो भाई क्या क्या करता है बंदा। तो यहाँ पे चलो इस गेम प्ले को अपन फिनिश करते हैं अपने। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले अपना जो गेम प्ले फिनिश करते हैं, मैं क्या करता हूँ सबसे पहले कनेक्शन मार लेता हूँ टॉप राइट में, थोड़ा जोर से मारने वाला हूँ क्योंकि जो अपने ओपनर की कॉइन हटाने वाला था और हट भी जाती है आसानी से। अभी फिलहाल देखो टॉप लेफ्ट में इसको फुल पावर के साथ खेलूंगा टॉप लेफ्ट में। तो यहाँ पे मैं जो सेंटर की जो कॉइन से मेरे थोड़े से रिलीज हो जाए शायद, तो यहाँ पे अच्छी खासी कॉइन रिलीज हो जाती है अपने। तो मैं चलो बोलता हूँ यहाँ पे खेलते अपन कट टॉप लेफ्ट में। तो टॉप लेफ्ट में एक कॉइन को पोर्ट कर लेता हूँ, एक टॉप राइट में पोर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सभी के सभी कॉइन वैसे श्योर है, तो ऊपर की जो कॉइन है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो उनको थोड़ा सा और श्योर कर लेता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे दोनों कॉइन को मैं श्योर कर लेता हूँ। वैसे तो अपने ओपनर के फ्रेम में जो कॉइन है वो निकालना चाहता था मैं इसको इनडायरेक्ट खेल के इस तरह से, और इनडायरेक्ट तो खेला, पर अपनी जो कॉइन फंसी हुई थी टॉप लेफ्ट में अपने ओपनर के फ्रेम में वो तो नहीं निकलती। पर चलो कोई नहीं, अपन इसको क्या कर सकते हैं भाई, कट मार के आराम से पोर्ट कर सकते हैं टॉप लेफ्ट में। तो मैं इसको कट मार के आराम से इसको कॉइन को पोर्ट कर लेता हूँ। तो चलो आपको दिखाता हूँ भाई आईटी प्लेयर बंदा किस तरह से गेम प्ले करता, ज्यादा वेट नहीं करवाता हूँ। चलो भाई तो लग चुका अपना आईटी प्लेयर के साथ गेम प्ले। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो वैसे तो टर्न अपनी आती है, तो मैं क्या करता हूँ भाई ब्रेक लगाने की ट्राई करता हूँ टॉप राइट में, एक कॉइन पोर्ट करने की ट्राई करता हूँ और कॉइन अपनी पोर्ट नहीं होती है। फिर मैंने बाद में सोचा कि भाई अब तो गेम अपने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ भाई बंदा क्या करता है मुझे देख के, देखो भाई क्या इमोजी भेजता है, मगर क्यों और ये मुझे भी नहीं मालूम यार। कर मेरे को जानता नहीं है ये। तो मैंने यहाँ सोचा था गाइस कि बंदा फेयर प्लेयर है भाई, थोड़ा हंसी मजाक करने की ट्राई कर रहा है यहाँ पे। तो मैं चलो बोलता हूँ इग्नोर करता हूँ भाई, एक इमोजी भेज देता हूँ हंसी मजाक की, चलो हंसने की। और यहाँ पे देखो भाई अपना जो ओपनर रहता है ना किस तरह से गेम प्ले करता है। अभी तो आप लोगों को लग रहा है फेयर गेम प्ले खेल रहा है बंदा, बहुत ही आराम से खेल रहा है, बहुत अच्छा बंदा है, फेयर बंदा है, पर उसको आप लोगों को इसके औकात मालूम मिलने वाले आगे। चलो देखो यहाँ पे तो बहुत प्यार से खेल रहा है वो टॉप राइट में भी एक कॉइन पोर्ट कर लेता है वो आसानी से। अब याली कॉइन जी देखो इसको भी आराम से पोर्ट कर लेता है, जब उसकी कॉइन्स फंसते हैं ना गाइस, जब आप लोग देखना है यहाँ पे मैं आईडी देख के मैं पता लगा लेता हूँ भाई कुछ ना कुछ इसने हैक यूज करा है, क्योंकि इसकी आईडी जो अच्छी लेवल की थी और गेम भी इतनी अच्छी तरह से खेल रहा था। बाद में क्या होता है गाइस, जो इसकी कॉइन्स है ना ये सबके सब फंसे हुए थे। तो यहाँ पे देखो क्या करता है वो फिलहाल, तो यहाँ पे कट मारने की ट्राई कर रहा है टॉप राइट में, पर यहाँ पे देखो उसको समझ में आ गया यहाँ पे अपनी कॉइन जाने नहीं वाली है। तो वो क्या करता है देखो आईटी प्ले हैक यूज कर लेता है। अब आए ना लाइन पे, अब आ गया इसी लाइन पे, अपने क्या समझे उन्होंने, तूने क्या मेरे को येड़ा समझाएगी, येड़ा समझ के रखा है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई आ गया औकात पे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आ गया तू औकात पर। मतलब गाइस फेयर गेम पे खेलना नहीं आता तो काई को खेलते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ पे देखो भी किस तरह से पोर्ट करके जाता है ये। और यहाँ पे तो ये इसके औकात दिखा देता है, एक और बंदा है गाइस ऐसी फेयर गेम प्ले खेलने की स्टाइल में नहीं कि आईटी प्ले एक्टिव कर लेता है। तो आप लोग खुद देख लो यहाँ पे, तो ये थोड़ा छोटा सा गेम प्ले, इसके बाद मैं आपको गेम प्ले दिखाने वाला हूँ ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दे दो किस तरह से मैं फिनिश करता हूँ, एक कॉइन फंसी रहती है उसको भी निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे देखो जो दोनों कॉइन्स है इनको मैं पहले क्या करता हूँ कि शॉट खेल लेता हूँ, एक कॉइन को थोड़ा सा इंडायरेक्ट, क्योंकि थोड़ी जगह बनी हुई थी तो मैंने बोला चलो इंडायरेक्ट शॉट खेल लेते हैं, बाद में इस वाले कॉइन को सीधा सीधा टॉप राइट में पोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो भाई बंदे के साथ अभी गेम प्ले लगने वाला है अपना, उसी के साथ एक बंदा वो भी हैक यूज करता है, और लो भाई लग चुका है गेम प्ले उसके साथ। तो गाइस ये बंदा देखना आप लोगों ने क्या करता है, पहले ये ब्रेक नहीं किया आईटी प्ले हैक एक्टिव करके लगा लेता है। ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पे सेंटर से क्या करता है भी, जो आईटी प्ले हैक है वो एक्टिव कर लेता है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट भी ले रहा है, आप लोग ध्यान लगा सकते हो, मतलब अंदाजा लगा सकते हो भाई कितना टाइम लेके ब्रेक लगा रहा है। तो मुझे यहाँ पे 100% पक्का लग चुका था कोई आईटी प्ले हैक यूज कर रहा है, ब्रेक भी लगा लेता है आईटी प्ले हैक एक्टिव करके। और यहाँ पे देखो ध्यान से वो अभी क्या करता है, यहाँ पर वो क्या करता है भाई आईटी प्ले हैक एक्टिव करके वो दूसरा भी ब्रेक लगा लेता है यहाँ पे आसानी से, और फिर बाद में यहाँ पे क्या करता है फिर गेम प्ले खेलने लग जाता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को दिखाना चाहता है कि भाई मैं फेयर गेम प्ले खेल रहा हूँ, पहले तो आईटी प्ले हैक यूज लगा के दो ब्रेक लगा लेता है, फिर बाद में यहाँ पे क्या करता है भाई आईटी प्ले हैक है ना जो स्टैगर है ना इधर से उधर करते हुए गेम प्ले कर रहा है। देखो ध्यान से आईटी प्ले हैक यूज कर रहा है इसे, पर स्टैगर जो है ना कभी कभी इधर कभी उधर कभी इधर करते जा रहा है ये। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं।
मेरे ख्याल से आप लोग नहीं समझे, जो आई टू प्ले हैक यूज करता है वो तो समझ चुके होंगे भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो भाई जो लास्ट वाली जो कॉइन है वो पोर्ट कर लेता है वो। अच्छा तो यहाँ पर भी ये बंदा भी गेम प्ले फिनिश करके चले जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट गेम प्ले लगा लेता हूँ मुंबई एरेना में। जो सामने वाला ओपन था तो वो अपने सब्सक्राइबर रहता है गाइस, और यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोगों ने किस तरह से फिनिश करूंगा। तो टॉप फाइट में इसको मार लेता हूँ, जो सेंटर के जो कॉइन्स वो भी निकाल लेता हूँ भाई। बोलते हैं वीडियो अपलोड कर देंगे तो देख लेना भाई, कर दिया हमने वीडियो अपलोड। और यहाँ मैं टॉप राइट में इसको मार लेता हूँ गाइस, अभी देखता हूँ भाई कौन सी कॉइन मैं निकालू फिलहाल। तो मैं यहाँ पे कट मार लेता हूँ टॉप राइट में, मैंने बोला टॉप राइट में जो कॉइन फंसी हुई वो निकल जाए। वो निकलती तो है नहीं पर डायरेक्ट पोर्ट हो जाती है भाई कॉइन्स। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई चलो एक रिबाउंड शॉट खेलते हैं टॉप राइट में, जो कॉइन फंसी हुई उसको भी निकाल लेते हैं। और भाई यहाँ पे आराम से मैं परफेक्टली इस वाले कॉइन को भी पोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखता हूँ भाई अब कॉइन्स अपने जो सेंटर के जो वो निकालना था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक किस शॉट खेल लेता हूँ टॉप लेफ्ट में जो अपनी ओपन की कॉइन है बीच में, उसको क्या करता हूँ मैं हटा के मार लेता हूँ अपने कॉइन को, थोड़ा सा रास्ता हो जाए श्योर। तो यहाँ पे देखो उसको मैं मार लेता हूँ। यहाँ पे एक किस शॉट खेलने वाला आप लोगों के लिए मैं प्यारा सा, आप लोग खुद देख लो, बहुत ही आराम से खेलूँगा और बहुत ही प्यारा ये किस शॉट होने वाला है, क्योंकि जो कॉइन्स अपने सेंटर के जो पूरे शिवर करना था अपने को। तो यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट में उसको मार लेता हूँ आसानी से। फिर बाद में जो रेड वाली कॉइन थी थोड़ी सी और फंसी हुई थी गाइस, तो यहाँ पे ध्यान से देखना किस तरह से मैं किस शॉट मारने वाला हूँ, बहुत पसंद आने वाला है आप लोगों को ये शॉट। ये देखो तो गाइस आप लोगों को ये शॉर्ट पसंद आया हो तो यार प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो यहाँ पे फेयर पावर और यहाँ पे और जो ऑटो पावर है भाई कुछ काम के नहीं ऑटो प्लेयर। वैसे आप लोग फेयर गेम प्ले खेल के बहुत अच्छे अच्छे शॉट खेल सकते हो और मार सकते हो गाइस, जिस तरह से मैं खेल लेता हूँ तो आप भी आसानी से खेल सकते हो इस तरह के शॉट। तो क्या फ़ायदा भाई ऑटो प्ले हैक यूज़ करके, इसमें गेम तो आपका बनने नहीं वाला, सिर्फ कॉइन्स आपको एक्स्ट्रा के मिलने वाले गेम प्ले करने के लिए आपको, बस इतना बेनिफिट है। बस कॉइन्स आप लोग मतलब जमा करके रख सकते हो, विन कर रख सकते हो बहुत सारे कॉइन्स, बस उतना ही फायदा है, बाकी आप लोग गेम नहीं सीख पाते हो उससे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने दिमाग में बिठा लेना भी, आगे जब आप लोग आई टू प्ले हैक यूज करते होंगे तो। तो चलो गाइस मैं क्यों झाड़ रहा हूँ भाई ज्ञान, अच्छा हमको सिखा दिया है। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट गेम प्ले पर लगा लेता हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे शॉट इस गेम प्ले में भी मार लेते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट में कट मार लेता हूँ ओपोनेंट के कॉइन की मदद से, फिर बाद में क्या करता हूँ कट मार लेता हूँ टॉप राइट में एक और। और फिलहाल देखता हूँ मैं अभी कॉइन्स कौन थी शिवर है अपनी, जो वैसे तो फंसे हुए दो तीन कॉइन है पर शिवर कौन थी, यहाँ पे शिवर एक भी कॉइन नहीं, सिर्फ अपनी जो थम है वो कॉइन थोड़ी सी शिवर है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि शॉट बहुत ही प्यारा मारता हूँ वैसे, ये देखो। और गाइस वैसे तो अपन ये गेम प्ले फिनिश नहीं कर पाते पूरा, क्योंकि एक कॉइन मेरी बहुत बुरी तरह से फंस जाती है, वैसे तो गेम बहुत ही अच्छी तरह से जाता है पर जो एक कॉइन रहती है ना भाई बहुत ही बुरी तरह से फंसती है। मुझे पता था भाई वो कॉइन्स नहीं जाने वाली है, क्योंकि बहुत दूर पड़ी थी कॉइन्स वो, तो जो ऊपर वाले आप लोगों को दिख रही है टॉप राइट वाली जो कॉइन वो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई, अगर मैं यहाँ से मारूंगा तो भाई डबल टच हो सकता है, या तो जो थर्ड पॉकेट में मारने वाला था मैं यहाँ पे भाई थोड़ा सा मिस होने वाला था, और यहाँ पे मिस हो जाता है गेम प्ले। तो चलो कोई नहीं, ये मिस कर देते गेम प्ले अपन, तो नेक्स्ट गेम प्ले पे अपन चले जाते हैं। तो गाइस ये गेम लास्ट गेम प्ले होने वाला है, तो आप लोगों ने प्लीज़ यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई ये गेम प्ले तो वैसे लास्ट होने वाला है, तो आप लोग यहाँ तक बने हो तो यार प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना आप लोगों ने, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चाहे नहीं किया हुआ तो। तो चलो यहाँ पे गेम प्ले को देखो किस तरह से मैं फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट में इसको खेल लेता हूँ आराम से, जो अपने थंब में जो कॉइन्स है भी उसकी मदद से जो ऊपर के जो कॉइन्स अपने वो आसानी से निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। और भाई यहाँ पे देखता हूँ अभी अब कौन सी कॉइन अपने को आसानी से जा रही है पहले, और भाई कौन सी कॉइन अभी फिलहाल फंसी हुई, तो रेड वाली कॉइन को मैं मार लेता हूँ जो कॉइन फंसी हुई रहती थोड़ी सी, उसको मैं हॉर भी श्योर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जो टॉप लेफ्ट में ये वाली जो कॉइन है भाई ये फंस सकती थी, इसलिए मैं पहले इसको खेल लेता हूँ, इसका कुछ काम भी नहीं था। और वैसे तो सभी के सभी कॉइन जो श्योर है अपने को, तो चलो भाई तीनों को आराम से पोर्ट करेंगे और ये गेम प्ले को विन कर लेंगे। और गाइस आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बता देना भाई, और बता देना भाई ऐसा कौन कौन करता है आपके साथ जो ऑटो प्ले हैक यूज़ करता है पर यहाँ पे फेयर गेम प्ले खेलने की ट्राई करता है, तो कमेंट करके जरूर बता देना आप लोगों ने, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे गेम प्ले होता है अपना खत्म, तो मिलता है हर वीडियो के साथ कल, तो अभी के लिए बाय गाइस।